उलमा ये लिखते हैं कि तारीख़ के अंदर ऐसी ऐसी ताउन की बीमारियाँ आई हैं, 6 हिजरी को ताउन शेरवह जो है, और इसी तरह 18 को ताउन अमवास थी, और इस तरह ताउन अलजारिफ जो है ये 69 हिजरी को हुई, और ताउन अलफतयात और ताउन अलअशराफ जो है ये 89 हिजरी को हुई। और आप हैरान होंगे ये बात सुन के, अबुल हसन अलमदाइनी कहते हैं कि इस कदर ये ताउन थी कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के सहाबी के ज़माने में भी ये ताउन की बीमारी जब आई तो हर 3 दिन ये इस तरह हुआ, हर दिन में 70,000 लोग मरते थे। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी, और इस तरह उनकी औलाद के 83 बेटे बेटियां जो उनकी नस्ल के थे वो इसी ताउन की वजह से फौत हुए थे। जैसे कि इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह तआला, उनकी जो सही मुस्लिम की शरह लिखी है इमाम नववी ने, उन्होंने इस बात का तस्करा किया। और 449 हिजरी में जब एक वबा फैली, कैसी वबा, इस कदर भूख होगी दुनिया में कि लोग उस वक़्त मुर्दार खाने पे तैयार हो गए और कुछ खाने को मिलता ही नहीं था। बहुत बड़ी आग लगी, उम्मत को समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। लेकिन ये सारी मुसीबत, यहाँ तक के लिखने वालों ने तो बड़ी अजीब बात लिख दी, इब्ने कसीर ने अलबिदाया व नहाया में लिखा है बहुत बड़ी आग लगी और बहुत लोग जो है वो जल गए, बहुत चीज़ें जल गईं, और लोग इस बात पर तैयार हो गए कि वो कब्रों को उखाड़ें। तो अल्लाह ताला ने फिर कैसे ये मुसीबत दूर की, गनी लोगों ने सदका किया, लोग जो है नमाजों के लिए मस्जिदों की तरफ दौड़े, व कसर व आलात तर्फ, और गाने और बाजे इस तरह के जितने आलात उनको तोड़ दिया गया, व अराकुल खुमूर, और जितनी शराब थी उसको बहा दिया गया। तो अल्लाह जलाल ने यह मुसीबत उनसे दूर कर दी।